कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए शासन ने तैयारी तेज कर दी है। इस क्रम में जिले में पोलियो की तर्ज पर कोविड संवेदीकरण व संचारी रोग नियंत्रण विशेष अभियान 7 सितंबर से शुरू होकर ये विशेष अभियान 16 सितंबर तक ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में चला। मौसम परिवर्तन व मच्छर जनित बीमारियों के बढ़ने से ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की टीमें तैयार की गई हैं। ये टीमें घर घर जाकर कोविड लक्षण युक्त व्यक्तियों के साथ ही बुखार, टीबी, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि बीमारियों के लक्षण युक्त व्यक्तियों को चिन्हित कर सूची बनाने का कार्य कर रही हैं, जिसमें नियमित टीकाकरण, RI से छूटे 2 वर्ष के बच्चों एवं 45 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों जिनका अभी तक टीकाकरण नहीं हुआ है उनकी सूची बनाई जाएगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोलापुर में इस अभियान के तहत मरीजों एवं बच्चों के टीकाकरण की गहन जांच हुई। इस संबंध में वहां के चिकित्सा अधिकारी ने बताया, अभी 7 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक घर घर खोजी अभियान चल रहा है, जिसको सर्विलांस प्रोग्राम का नाम हम लोगों ने दिया है। इसके तहत 5 कैटेगरी की गई है, जिसमें कि ज्वर से पीड़ित जितने भी व्यक्ति हैं उनको चिन्हित करना है, कोविड के लक्षण वाले जो व्यक्ति हैं उनको चिन्हित करना है, 2 साल से कम के जो बच्चे छूटे हुए हैं टीके से उनको हमें चिन्हित करना है, और 45 साल से ऊपर के उन लोगों को चिन्हीकरण करना है जिनका कि कोविड का एक भी टीका नहीं लगा है। तो इन्हीं सबों के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। चोलापुर के ग्रामीण एरिया में आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने घर घर जाकर लोगों से विशेष जांच पड़ताल की। टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं का जांच कराना, डिलीवरी कराना, नसबंदी कराना, गांव-गांव में सर्वे करना, भ्रमण करना, सब साफ सफाई के बारे में बताना, सर्वे करती हूँ। संचारी अभियान नियंत्रण चल रहा है इस समय, तो बुखार उखार पूछती हूँ, खांसी सर्दी जुखाम साफ सफाई के बारे में बताती हूँ, 45 वर्ष से ऊपर जो महिला पुरुष हैं उनके बारे में पूछती हूँ, किस घर में किसको टीका लगा है नहीं लगा है कोविड का। ग्रामीण लोगों को टीकाकरण, बुखार व अन्य बीमारियों के बारे में पूछताछ किया व उनकी सूची भी बनाई व ग्रामीणों को इस बीमारी से बचाव के लिए विशेष जागरूकता के कुछ उपाय भी बताए, जैसे सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग व गंदे पानी को न जमा होने दें तथा साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। बतौनी अगन के गंद के द्वारे पर न रह के चाहिए, पानी जमा हुआ न रह के चाहिए, साफ सफाई रह के चाहिए, ये कुल बतौनी अगन इनका का वो तो दवाई का कागज बनवाओ जला वो बनौनी है बनवौनी है सब अपने गांव को वैसे न मन के इंजेक्शन लगौनी है जाए के दानगंज में, नहीं तो मन के का जानकारी रहा घर बैठल आदमी का जानकारी रही।